बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ए, हो गए वो, अभी है नहीं गया। अब ये सब चीजें उनमें नहीं थी भाई कि किस। जोहार, मैं हूं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। तो दोस्तों, आज हम खड़े हैं कुनकुरी विधानसभा के मुख्यालय, एक कुनकुरी बस स्टैंड है। शाम का वक्त है, काफ़ी लोगों का यहां पर आना जाना, यहां पर लोग चाय पीने के लिए आते हैं और चाय पर एक चर्चा होती है और हर दल के लोग यहां पर मौजूद होते हैं और कई तरह की चर्चा होती है और एक नया समीकरण यहीं पर तैयार किया जाता है। लोग यहीं पर बैठते हैं, चर्चा करते हैं और यहाँ पर किसकी जीत होगी, किसकी और कई तरह के लोग यहाँ पर बातें करते हैं। तो यहाँ पर कई तरह के लोग हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता हैं आदर शंकर त्रिपाठी जी। सर, किस तरह की तैयारी चल रही है अभी चुनाव सर पे? तैयारी तो देखिए, चुनावी तैयारी है और हमारे कार्यकर्ता जो है 5 साल काम किए हैं जनता के। क्या काम किए हैं 5 साल? मतलब 5 साल में कांग्रेस की उपलब्धि क्या है? 5 साल में कांग्रेस की उपलब्धि ये है कि हमने 25 रुपया किलो धान खरीदने का वादा किया था और 25 रुपया किलो हमने 5 सालों तक धान खरीदा। मैं प्रॉपर कुनकुरी की बात करूँ, मैं केवल कुनकुरी विधान, ये तो बड़ी योजना है, राज्य स्तर की योजना है। कुनकुरी में 5 सालों में किस तरह का विकास हुआ? कुनकुरी में 5 सालों में हमारे विधायक यूडी मीन ने यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवाया, हार्टिकल्चर कॉलेज खुलवाया, हर चौराहे पर हाई लाइट मास्क डलवाया, हाईटेक बस स्टैंड के लिए करोड़ों रुपया लाए, हाईटेक मुक्ति धाम के लिए करोड़ों रुपया लाए और करीब 150 जो हमारे गुड़ी हैं, ग्राम देवता का मंदिर, 150 मंदिर उन्होंने बनवाया, करीब 156 सामाजिक भवन, उसमें सभी जाति सभी समुदाय के लोगों को उन्होंने दिया। और इसके अलावा उन जितने भी विधानसभा में मरीज थे, जो बीमार थे, उनकी सेवा के लिए ट्रामा एम्बुलेंस और सवाहन एम्बुलेंस, इसके अलावा गिनती नहीं है। क्या आपको, आप काफ़ी लंबे समय से पॉलिटिक्स में हैं और काफ़ी लंबे समय से यहाँ के समीकरणों को समझते रहे, क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो मुद्दे होते हैं चुनाव में काफ़ी कारगर होते हैं? पब्लिक समझती है इन मुद्दों को? लोग तुलना करते हैं कि एक वो व्यक्ति जो आज उनके सामने खड़ा है वो 20 साल तक सांसद रहा और 1 साल 5 करोड़ रुपया उसको सांसद निधि मिलता था, 20 साल में 100 करोड़ सांसद निधि मिला उसको। कुनकुरी विधानसभा में उसने एक ट्यूबलाइट या एक बल्ब तक नहीं लगवाया उसने। तो लोग पूछते हैं कि भाई आपने 100 करोड़ रुपया किसको दिया? तो उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके जो मठाधीश थे और जो सामंतवादी सोच के लोग जिनके इशारे पे वो चलते थे, जिनका निर्देश मान करके वो नेता बने थे। व्यक्ति के तौर पे विष्णु साई जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उन पे कोई राजनीतिक सोच या विचारधारा नहीं है। आप बोल रहे हैं कि 20 साल तक सांसद रहने के बाद निष्क्रिय रहे और विष्णु देव साई ने 20 पेज का किताब छाप दिया अपनी उपलब्धि का? नहीं, वो किताब जो है ना, उनकी गलत किताब है। वो 100 करोड़ का हिसाब खाली दे दें कि कहाँ कहाँ किस कार्यकर्ता को दिए और उसमें कितना कमीशनखोरी हुआ। रमन सिंह को आकर के क्यों कहना पड़ा रायगढ़ की सभा में कि आप जो है 5 साल कमीशनखोरी बंद कर दो तो हम लोग तीसरी चौथी बार सरकार बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए, डेवलपमेंट, आपने कहा कि कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत सारे काम हुए यहाँ पर, आपने कई सारी योजनाओं का नाम भी गिनाया। नहीं, योजनाएं नहीं, व्यक्तिगत बताया आपने बताया कि इतने सारे काम हुए यहाँ पर डेवलप। तो क्या लगता है कि ये जो आने वाला जो चुनाव है 17 तारीख को, क्या ये मुद्दे काम करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे। लोग आज जागरूक हो चुके हैं ना, समझदार हो चुके हैं। आज जो है भाजपा जो धर्म की राजनीति और नफरत की राजनीति करती थी उससे लोग बाहर निकल चुके हैं। लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने, चाहे वो युवा हो, युवा को बेरोजगार भत्ता की बात की थी उसने दी, 25 रुपये किलो धान खरीदने की बात की थी उसने दिया, तेंदुपत्ता। सर, धर्म, अब बोलते हैं भाजपा धर्म की राजनीति करती है, कांग्रेस भी तो वही काम कर रही है, मंदिरों में जा रही है, आपके विधायक जा रहे हैं वहाँ, सनातनी इनको कहा जाने लगा है, तो धर्म का मार्ग तो कांग्रेस भी अपना रही इस बार। देखिए, हम संविधान को मानते हैं, सर्वधर्म संभाव हम उस सिद्धांत को मानते हैं। हम किसी एक मंदिर में नहीं जाते हैं, धर्म विशेष के मंदिर में नहीं जाते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम मस्जिद भी जाते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं और आज से नहीं जाते हैं, हम आज़ादी के पहले से जाते रहे हैं और आज तक जाते हैं। वो लोग एक धर्म विशेष की बात करते हैं और नफरत फैलाते हैं और दो समुदायों के बीच झगड़ा लगाते हैं, तो वो उनका एजेंडा है, हमारा एजेंडा नहीं है। हम तो मंदिर सदैव जाते हैं। आपका कांग्रेस का एजेंडा क्या है इस बार? हमारा एजेंडा विकास है, हमेशा से रहा है। हम जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं, जनता हम पे भरोसा करती है ना, और वो भरोसा खो चुके हैं।
उन पर 15 सालों का जो कुशासन था तो भरोसा खो चुके, उन्होंने जो भी कहा पूरा नहीं कर पाए। तो आज अभी कुछ दिन पहले बीजेपी ने एक सूची जारी की है, कुनकुरी विधायक यूडी मिंज को दशानन लिखा गया और दशानन की 10 गुंडई कि 5 सालों में 10 किस तरह की गुंडई हुई उसका पूरा सूची भाजपा ने बनाया और सोशल मीडिया में वायरल किया, इसका डिफेंस कांग्रेस कैसे कर रही है? देखिए, हमारे मित्र विष्णु देव साय जी बहुत ही एक उनकी सहनशीलता विनम्रशीलता उनकी पूंजी थी। अभी कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो देखा मैंने, किसी अधिकारी को कह रहे थे कि जमीन में गाड़ दूंगा, पेड़ पे लटका दूंगा, और माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे। तो एक विनम्र आदमी ऐसा गालीबाज कैसे हो गया? एक वीडियो यूडी मिंज का वो दिखा दें किसी अधिकारी को गाली देते हुए। तो झूठ बोलना तो भाजपा की आदत है और चरित्र हत्या करना भाजपा की आदत है। आज से नहीं कर रहे, आज़ादी के पहले से इनके पूर्वज भी, पहले अंग्रेजों का करते थे, अब फूट डालो राज करते हैं। चरित्र हत्या करके वोट नहीं मिलता है, पहले वो अपने चरित्र को देखें, किसको जमीन में गाड़ रहे हैं, किस अधिकारी को, किसको पेड़ में लटका रहे हैं। हमारे भाई विष्णु साय जी हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। हो गए वो, अभी है नहीं गया। अब ये सब चीज़ें उनमें नहीं थी भाई कि किसी अधिकारी को पेड़ पर। आरोप तो आपके विधायक के ऊपर भी लगते हैं कि डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई, ये एक पुलिस अधिकारी का उन्होंने नाम लिखा कि उसके साथ में मारपीट की गई, और डायरेक्ट विधायक, मतलब बीजेपी कहती है कि विधायक के लोग हैं जो ऐसा करते हैं। देखिए, आरोपों का क्या है, आरोप तो आज भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह के ऊपर नान घोटाला का लगा हुआ है, पनामा पेपर का लगा हुआ है, जिसमें बड़े बड़े प्रदेश देश के प्रधानमंत्री हट गए है ना, जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सब पे आरोप है। आरोपों से कुछ नहीं होता है, कोई प्रमाणिक चीज़ हो, कोई वीडियो हो, कोई प्रमाण हो, तथ्य हो, उस पर बात होता है। आरोप उनको अभी चुनाव के समय में आरोप लगा देना किसी के ऊपर और चल देना, ये भाजपा की पुरानी आदत है। कोई तथ्य हो, कोई प्रमाण हो तो बात करें, और गुंडा मवाली को जनता थोड़ी जिताती है, जनता वोट देती है। आपके विधायक यूडी मिंज को बीजेपी के लोग डायरेक्ट गुंडा कहते हैं, बदमाश कहते हैं, ढोंगी कहते हैं, धर्म के नाम पर ढोंग रचने वाला विधायक कहते हैं। देखिए, एक गुंडा है वो गुंडा को पहचानता है ना, तो उनके आरोपों का जनता माकूल जवाब देगी, और हम इस चुनाव में जीत रहे हैं, इससे घबराए हुए हैं वो लोग, अभी जो कुछ भी कहेंगे हम सुनेंगे, जनता उनको माकूल जवाब देगी। तो आने वाला जो चुनाव है 17 नवंबर को जो चुनाव होगा, क्या लगता है आपको कि मतलब इस जो लड़ाई है यूडी मिंज वर्सेस विष्णु देव साय की, लड़ाई कांटे की टक्कर है या औसत दर्जे का टक्कर, क्या लगता है आपको, मतलब इस पर रुझान क्या रहेगा? चुनौती है, एक 20 साल का सांसद, 2 बार का प्रदेश अध्यक्ष और पूरे धनबल से मजबूत सामंतवादी सोच और पूंजीवादी सोच। सामंतवादी सोच कैसे कहते हैं, तो बहुत सरल स्वभाव, सरलता में सामंतवाद कहाँ से आ गया? सरलता में सामंतवादी वाद ये आ गया कि वो एक जमींदार हैं और एक राजा ने उनको कैंडिडेट बनाया था। यूडी मिंज कौन से गरीब हैं? बिल्कुल गरीब आदमी है, उसके पास क्या है, उसके पास एक अपना पुराना कार है वो भी लोन में है, और एक अपना घर भी नहीं है उसके पास कहीं पर, बता दे कोई। वो तो जनता के लिए है ना, जनता के लिए ही है, उसके ना कोई परिवार में कोई वो है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई ऐसा कोई वो नहीं है। यूडी मिंज जनता के लिए और जनता यूडी मिंज के लिए। तो सामंतवादी सोच की जहाँ तक बात कर रहा हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादियों की पार्टी है। आप बताइए, किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ़ करते हैं भाई? वो हमने पिछले बार भी किया और इस बार भी करेंगे, हमारी घोषणा में है। वो खाली पूंजीपतियों का 25 लाख करोड़ कर्जा माफ़ कर दिए। क्या हम किसान जो है इस देश के वासी नहीं हैं? हम वोट नहीं देते हैं, हम टैक्स नहीं देते हैं, किसानों का कर्जा क्यों माफ़ नहीं करते हैं? साहस करें वो। ये जो मतों का जो ध्रुवीकरण होता है यहाँ, हिंदू बनाम गैर हिंदू, ईसाई बनाम गैर ईसाई, इस तरह का जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति होती रही है यहाँ, इस बार क्या मतलब, क्या ये ध्रुवीकरण खत्म होगा, लोग नए हवा में बह रहे हैं, किस तरह का माहौल है? इस बार नहीं, पिछले बार से ही ये जो है ध्रुवीकरण की राजनीति खत्म हो गई है यहाँ, और अब लोग विकास की ओर बढ़ चले हैं और लोग पढ़ लिख लिए हैं। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य को महत्व दिया है, जगह जगह आत्मानंद स्कूल, कॉलेजेस और
अस्पताल खोले हैं, तो लोग आज अपनी दैनिक उपयोग की वस्तुओं के प्रति जो है चिंतित हैं, जागृत हैं। जो केंद्र सरकार ने वादा किया था 30 रुपये पेट्रोल बेचने का, 100 रुपया कर दिया, 70 रुपये का दाल कर दिया, 170। आज मैं सवेरे दाल खरीदा, 170 रुपया दाल है। पांडे जी कहाँ लगाएं आप? देवगुड़ी बनने से महंगाई कम हो जाएगी क्या? देवगुड़ी हमारे आस्था का प्रतीक है, वर्षों से वो धर्म के नाम पे वोट मांगते रहे, है ना, स्थानीय बैगाओं के से उनका शोषण करते रहे, लेकिन कभी उनको जो है मानदेय या पेंशन या तनख्वाह ऐसा कुछ नहीं दिया। हमने उनकी सुधि ली, हम उनको मानदेय दे रहे हैं। तो ये हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए लोग हम पे भरोसा करते हैं। भूपेश है तो भरोसा है पांडे जी। तो ये थे आदर्श शंकर त्रिपाठी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इनका कहना ये है कि जो भी होगा आने वाले वक्त में, 17 नवंबर को जो चुनाव होगा, भाजपा सॉरी कांग्रेस का यहाँ परचम फिर से लहराएगा, क्योंकि विधायक यूडी मिंज ने यहाँ पर काफ़ी काम किए हैं और इस बार यहाँ की जनता राम के नाम पर नहीं, काम के नाम पर वोट देगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल, राजेश पांडे के साथ। नमस्कार। We'll be right back.